रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। नमस्कार, वॉइस ऑफ फैशन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी को मिलवाने जा रहे हैं जो जहां फिल्मों में अपना बहुत ऊंचा नाम और मुकाम रखते हैं, वहीं महानगर की एक जानी मानी बेकरी बेक फ्रेश से भी संबंधित है। प्रॉपर्टीज का काम भी इनका पूरे बुलंदियों पे है और सबसे बड़ी एक एनजीओ रोटरी क्लब इंटरनेशनल लुधियाना सेंट्रल के प्रेसिडेंट भी हैं। मेरी मुराद है हमारे शहर की एक मल्टीपर्पस पर्सनालिटी हनी करेवाल जी, स्वागत है। थैंक यू। तो हनी जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके फिल्मी कैरियर के बारे में। आपने कौन कौन सी अब तक फीचर फिल्में की और साथ में कोई टेली फिल्में कौन कौन सी अब तक की हैं? सर, जैसा कि पहले मेरी सबसे पहले वक्त फिल्म आई थी, एक शॉर्ट फिल्म थी जी। उसके बाद मैंने दास्तां, वो भी शॉर्ट फिल्म थी जी। उसके बाद मैंने किया प्राउड टू बी सिक पार्ट टू, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया। वेरी गुड। उसके बाद मेरी रिसेंटली अभी दुल्ला वैली पिक्चर है, पंजाबी पिक्चर जी, फीचर फिल्म। उसके योगराज जी जी, गुगु गिल जी, उनके साथ मैंने काम किया। वेरी गुड। तो अभी एक नन्ही उम्मीद, जिसमें मेरे ख्याल से आपने हाँ, मैं भी उसमें काफी मजा आया था उसमें। हाँ, ललित शर्मा जी की फिल्म में काम करने का। ललित शर्मा जी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, बहुत अच्छी पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जी। और वो रिसेंटली बहुत जल्दी रिलीज होगी। और उसके बाद मेरी पिक्चर आ रही है द सन ऑफ वॉरियर, फीचर फिल्म है वो भी। अच्छा। और सन ऑफ पंजाब, वो भी, ये दोनों पंजाबी फीचर फिल्म है जी, जिसमें बड़े अच्छे एक्टर्स हैं जी। और मैंने उसमें एक कह सकते हैं बदमाश का रोल किया है। क्या बात है। वैसे आप लगते नहीं देखने में जैसे ऑपोजिट है, जैसे मैंने वो प्राउड टू बी सिक पार्ट टू में मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया, इसमें मैंने उसका किया। तो इस तरह से रोल्स, हर तरह के करेक्टर होते हैं, वो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं जो अच्छा करने के लिए। आपको एक्टिंग का शौक कब से पड़ा? एक्टिंग का शौक एक्चुअली ये कि बचपन से था, एक शौक था, और सेकंडली एक एम था कि हर लोग, हर बंदे, हर एक वो उस मुकाम पे पहुंचे ताकि हर बंदा हमें जान सके। और ईश्वर की कृपा से आज मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ, काफी लोग जानते हैं। बाकी आपका साथ है भाई जैसा जी, जी, और आशीर्वाद है भगवान का कि ये सब ठीक चल रहा है। तो हनी जी, इससे पहले हम बात करते हैं, जैसे अब आप फिल्मी दुनिया में बहुत इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ ही साथ लुधियाना की एक बहुत जानी मानी कंपनी जो बेकर्स यूनिट है आपका, बेक फ्रेश, जिसको आपके वाइफ वानी छाबड़ा जी चलाते हैं जी। तो आप उसमें एक बहुत सक्रिय भूमिका उनके साथ ही निभा रहे हो, तो कैसे आप उसको सारा करते हो कि उधर सुबह केक्स बन रहे हैं और बड़ी बड़ी बेकिंग आइटम बन रही है, क्या आप साथ साथ ही डायलॉग्स के रट्टे लगाते हो फिर वहीं खड़े खड़े, या कैसे करते हो? सर, ऐसा होता है कि जैसे जब शूट होता है तब तो जाना पड़ता है जी, तो उसके लिए प्रैक्टिस जो भी होती है वो करनी पड़ती है। लेकिन यह कि साथ के साथ ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उससे पीछे ना हटा जाए। तो ये कि जैसे वानी संभालती है, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभालती है जी। मैं उनके साथ पूरी जो अपनी कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हेल्प करने की, वो सारा बाहर का काम जो भी होता मैं संभालता हूँ, और उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा भैया। बिल्कुल। और दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि इनकी वाइफ वानी जी बहुत टैलेंटेड है। आपने वॉइस ऑफ एशियंस पे अभी एक दो दिन पहले ही उनकी इंटरव्यू भी देखी है, तो दोनों की इंटरव्यू साथ साथ आई है। तो अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जहां अपने काम में बहुत ट्रेंड है, वहीं ये काम में, सोशल सर्कल में, हर जगह ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और दोनों लुधियाना के लिए ये कपल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सक्सेस स्टोरी की। अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी आप काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। हाँ जी, मेरा जन्नत प्रॉपर्टीज के नाम से माल्टन एक्सटेंशन में अश्मी चौक जो है वहाँ पे ऑफिस है, और 1991 से वहाँ से काम कर रहा हूँ जी जी। और हमेशा यही सोचा है कि नियत अपनी साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। सही बात है।
तो हमेशा अपना साथ रहा है भगवान का, और भगवान का आशीर्वाद रहा है, अपनी नियत साफ रखी है और हर बंदे को सही गाइड किया है जी, ताकि जो भी लोग हमारे पास आए तो वो सेटिस्फाइड होके जाएं। तो उससे पहले हम आपकी जिंदगी की कुछ और बातें करें, पहले दिखाते हैं दर्शकों को आपकी दास्तान जो कामयाबी की है उसकी कुछ तस्वीरें, आइए देखते हैं। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद दर्शकों आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितने तकड़े और शक्तिशाली एक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर भी हैं, तो मल्टीपर्पज पर्सनालिटी। एक बार फिर से हनी गरेवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और अब बात करते हैं आपके बचपन की, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ कॉलेजिंग हुई, कैसे रहे वो दिन? सर जो बचपन के दिन है वो तो फिर बचपन के दिन ही होते हैं जी, जो कभी लौट के वापस नहीं आते। सही। बचपन